कर लिया अपनी बाइक स्टार्ट और आज का सफर होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। खुली हुई धूप निकली है, देख पा रहे हो। मजा आ जाएगा आज राइड करने में। अच्छी खासी राइड है। पेट्रोलिंग भी कर लेते हैं। अभी पेट्रोल इसमें हाफ टैंक है अभी, तो पेट्रोल भी भरा लेते हैं। और आनंद का वेट कर रहा हूँ मैं, अभी आया नहीं, वो लग गया है। तो भाई निकल चुके हैं घर से, बहुत सारी गालियाँ खा के घर वालों की। अब घर वाले बोलते हैं यार बस में जाया करो। बस में कौन जाएगा यार? मुझे नहीं लगता आजकल का कोई आदमी मतलब आदमी तो क्या मैं आदमी नहीं है हाँ, मतलब आजकल के यंग बॉयज मेरी तरह कोई ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बस कोई भी नहीं करता है। अरे रे रे गाड़ी के अंदर कुत्ता है भाई, देख रहा कहाँ जा रहा हूँ मैं। आज रास्ता याद कर रहा है, इसको लग रहा है कि इसको छोड़ने जा रहा है। थैंक यू सो मच यार मुझे इंडिकेटर का ध्यान दिलाने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। रुक जाओ आंटी। चलो भाई सर शुरू हो गया। इंस्टा 360 लगा चुके हैं आज। इंस्टा 360 से भी शूट करेंगे। अरे रे 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 क्या बात है, मजा आ गया। रेस कर रहा है ये रेस करना चाहता है हमसे। यार घुसा दे अल्लगी दीवाना कहीं का। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार तेल अभी नहीं भरवाता हूँ, रास्ते में कहीं भराऊंगा। ये बहुत बढ़िया सा पेट्रोल पंप है, आपको भी बता देता हूँ। हल्द्वानी में कभी पेट्रोल भराना बहुत अच्छा और मतलब थोड़ा सस्ता मिलता है। 1-2 रुपये होगा शायद, सस्ता बहुत है यार। अगर आप मतलब भरा रहे हो या 15 लीटर भरा है, 15 रुपये बचे यार। 15 रुपये में चाय पी लेंगे भयंकर, 5 रुपये डाल गया देगा मेरी बचत। तो वहाँ से हम तेल भराएंगे, आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। ब्लॉग में बने रहो। इतनी भीड़ क्यों है? अच्छा एग्जाम होने वाले ना, बच्चों की क्लासेस चल रही होंगी। यार बच्चों का भी जीवन यार कैसा होता है ना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है। अब यार सही से चला ले, ढीले घुसा दे चूतिया। अबे इलेक्ट्रिक में ऐसे चोरी कर रहा है हाँ, छपरी नहीं का अलग ही। उसने हेलमेट ही इसलिए पहना है ताकि भयंकर किसी को ठोक सकूं तो मैं तो बच जाऊँ। तूफानी की तरह चला रहा है भयंकर। चलो आप चलो यार, आपकी कोई गलती नहीं। अरे आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपकी रुके। औरतों का क्या है यार, औरतें कभी भी किसी को भी हॉर्न मार सकती है, किसी को भी चांटा मार सकती है, उनका कुछ नहीं है। जाओ आप जाओ यार, आपके सर में तो बाल भी नहीं है। इनका जाना जरूरी, इनके सर पे बाल नहीं है ना। क्या सही बोला है ना? ये दुकान रात भर खुली रहती है, अब कभी भी आओगे। यहीं हॉस्पिटल का रात भर खुली रहती है। हम लोग कभी शो से आते हैं ना 2-3 बजे, चाय मिलती रहती है। अब तो रोडवेज थोड़ा सा वैसा हो गया ना, रोडवेज सेफ नहीं है। जो हल्द्वानी रोडवेज है तो थोड़ा सेफ नहीं है। रात को आप जा नहीं सकते, मतलब अगर आपके साथ लड़की है या कोई है तो आप जा नहीं सकते ऐसे। भाई साहब मजा आ गया आंटी, मजा आ गया आंटी। अबे यार मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मैं अपनी शादी में ना जाऊँ, मेरी मर्जी। तो भाई पेट्रोल भरा लेता हूँ गाड़ी में, फिर बताऊंगा आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ब्लॉग में बने रहो, बढ़िया। आगे जाम है ना, हमसे हटके मिलते हैं आपको। तो दोस्तों देवल चौड़ वाला जो ये टर्न है, इससे भी नीचे है वो पेट्रोल पंप। अभी बने रहो आप ब्लॉग में। मतलब आप अगर इस जगह पे रहते हो या फिर आप दिल्ली या फिर कहीं और की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ से भरा सकते हो। तो हम लोग भी आज दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भरा रहे हैं तेल यहीं से। तेल भराते हैं दिल्ली जाते हैं। अब अगर मैं देखूंगा अगर मैं आज जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं आज ही दिल्ली जाके, वैसे मुझे नोएडा जाना है अनंत और अलीशा के फ्लाइट पर, तो सिर्फ दिल्ली जाऊंगा। गिटार सर्विस के लिए आज ही दे दूंगा, फिर कल हम लोग गिटार उठाने चले गए। अब यार पेट्रोल पंप छूट गया दोस्तों बातों में, क्योंकि आगे तो पेट्रोल पंप है। मुझे ऐसा लग रहा है यहीं कहीं है वो, यहीं कहीं था यार, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। छूट गया क्या? आगे तो कोई पेट्रोल पंप नहीं था ना, मतलब कि हम लोग पोपट हो गया हमारा, आगे ही पेट्रोल पंप। अबे यार बड़ा दिमाग खराब है। टाइम बाद आ रहा हूँ ना इस रोड पे, समझ नहीं आ रहा यार। ये जो पेट्रोल पंप है इसके बाद कौन सा पेट्रोल पंप है? शायद आगे हो सकता है, नहीं होगा तो भाई सॉरी मुझे माफ कर देना। यहाँ भरवा लेते हैं 500 का कर देना भाई। ये देखो छपरी वाली जगह, छपरी वाली जगह है, लेकिन अंकल छपरी नहीं है। पहुँच चुके हैं भाई रुद्रपुर। बहुत बकवास सा शहर, इतना पॉल्यूशन, इतनी गंदगी है ना यहाँ पे। आगे डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं और चीजों पे ध्यान। भाई साहब कहाँ से ये हेलीकॉप्टर है, जमीन में भी चला रहे हैं पर। Here I come. Oh, here I come. Oh. मैंने कहा था ना एक दो नमूने मिल जाएंगे। GoPro की हो गई थी बैटरी खत्म, तो अभी तो बैटरी चार्ज पर लगाई है, इसको इंस्टॉल कर चलते हैं। अभी बिलासपुर पहुंचने वाले होंगे 8-10 मिनट में। और क्या खिली हुई धूप निकली हुई भाई। ये देखो दरवाजा खुला हुआ है गाड़ी का, इन्फॉर्म कर देते हैं इनको। किसी को नहीं रुकना, सबको जल्दी। तू भी चलेगा भाई, तू क्यों रुका है? उसको देखो हीरो को भयंकर अरे लेके जा रहा है। वेलकम टू इंडिया गाइस। अरे रे रे ये समझो, अरे रे रे टोक दिया पड़ी हो गई, पड़ी करना होगा भयंकर। पलटा मत देना भाई, लड़ाई हो रही है उनकी। गुत्थम गुत्थी ना हो जाए भाई यहाँ पे। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इट्स ट्रू। तो भैया हमें भी याद आया कि हम तो हेलमेट लाए नहीं है और दिल्ली जाते जाते तो इसकी वाट लग जाएगी, इसलिए हमने गमछा ले लिया है। गमछा पहन के जाएगा, ये स्माइल देखो नए गमछे की। एक पता क्या, अगर हेलमेट नहीं है, एक पता आइडिया बताऊँ क्या, अगर ये पहन ले सर में, मजा आ जाएगा। हाजी हाजी बन जा, हेलमेट पहन ले, मैं हाजी बन जाता हूँ। और चलो गमछा ले लिया, तो भैया आनंद हो चुका है रेडी जाने के लिए। कैसा लो गाइस, चलते हैं भाई। सही लग गाड़ी के अंदर से बच्ची कैसे देख रही है हमें, देखो। तो भाई अभी रुके हैं हम घर पे, अभी छोले कुलचे खा रहे हैं हम लोग। छोले कुलचे खा लेते हैं फिर चलेंगे। कितना है यहाँ से? 8 किलोमीटर। हाँ तो 1 घंटा मान लो, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बढ़िया खा पी के मस्त करके निकल चुके हैं। अब तुम हापुड़ के बाद से देखना भाई, क्या ही व्यू आ रहा है यार सूरज का। एक वेव बनी हुई है, क्या ही आ रहा है। बाइक राइडिंग में सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही होता है यार, जो व्यू आते हैं ना यहाँ पे। तो ये तो अभी मतलब हिल स्टेशन नहीं है, फिर भी यार ये देखो ना कितना नेचुरल, कितना बढ़िया। आप देखो बादलों के पीछे चलो यार, एक्सीडेंट हो गया लगता है। मारी किसने? नोएडा। ये कौन था? मैं भाई कहाँ से आ रहा है देख तो ले। नोएडा में स्वागत है आपका, और हमारा भी स्वागत है। रे भाई नौसिखिया से तो बड़ी डर लगती है मुझे। एक दिन जिस दिन मैं आया था उससे 2 दिन पहले पता मैंने यहाँ मिनी कूपर, और उसका नंबर पता क्या था? VIP नंबर ही था। जली ना तेरी जली ना। हम लोग गॉड सिटी सीधे 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 पापा जी। तो भाग चुके हैं हम लोग सोसाइटी में, और अब जाएंगे। जिसने भी पुराने ब्लॉग देखे हैं जल्दी बताओ कौन से फ्लोर पे इनका। बड़ा बिजी डे यार। तो भाई पहुंच चुके हैं। अरे तो बज रही है, तूने वाली बजाई थी, पागल है क्या? सच में हमारा बेड वेड कच्चा पड़ चुका है। मैं पीछे बैठा हूँ, अभी चेक करूँगा कितने छेद हुए कच्चे। ये क्या है? अब यार जूते तो इधर ही उतारने पड़ेंगे। उसने अभी जनवरी के एंड फर्स्ट लास्ट वीक में मना के बस कुरकुरे में निकलने बाल इसके ही होंगे। ठीक दोस्तों भाई एक भारी नुकसान हो चुका है। देखो यार हेलमेट का ये टूट चुका है, हमारा हेलमेट का ये टूट गया। हाँ यार अनंत यार तुम्हें मैं बात कर रही हूँ मामा से, ब्लॉग बन रहा है, रुक जा बंद कर दे। तो गाइस हम अभी अपने फ्लाइट में पहुंच चुके हैं, और अब क्या कहते हैं हम थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर हम कुछ बाहर खाने जाएंगे। ठीक है? और ठीक है ये देखो ये तो 2 मिनट बात करने देगा सीरियस। अरे हमारा ब्लॉग बन रहा है, उसको बोल रहे ना यार वो दिखा देगा। तो गाइस क्या कहते हैं अभी हम आ गए हैं, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ बाहर वगैरह का क्या चल रहा है। तो अभी ये देखो बाहर का कुछ ऐसा सीन है, पूरा अंधेरा हो चुका है। 6:30 के लगभग बज गए हमें पहुँचते पहुँचते घर। ये कुछ यहाँ का सीन, ये आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कभी कुछ टाइम पहले। यहाँ पे सब खाली खाली सा था, और वहाँ पे स्विमिंग पूल बन जाता है, वो अभी बन के रेडी हो चुका है। और नेक्स्ट समर जो आएंगे उसमें सब रेडी हो जाएगा, उसमें हम नहा के भी दिखाएंगे फिर आपको जब नेक्स्ट समय में बन जाएगा वो। बाकी और आपको दिखाते हैं अंदर का कि मामा क्या कर रहे हैं। वो चौहान है, उनके यहाँ पे दहेज चलता है, बहुत भयंकर दहेज चलता है। उसने ये बोल दिया है कि बोलिए क्या बोला था।